भारतीय टीम ने एशिया कप अपने नाम कर लिया। इसके बारे में पाकिस्तानी लोगों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान पहले ही शुक्र है कि बाहर हो गया, क्योंकि हम बहुत बुरे तरीके से हारते अगर आज हम हार जाते तो। अच्छा, आज हमारी बहुत ज्यादा बिस्ती होनी थी, इस वजह से हमें प्राउड है कि पाकिस्तान हमें पहले ही बाहर हो गया। रुको जरा, सबर करो। अच्छा, ये प्राउड फील कर रहे हैं कि इंडिया से हारे नहीं, हम श्रीलंका से हार के बाहर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये कैसा प्राउड है, ये समझ नहीं आ रही। इंडिया को प्राउड है अपनी टीम को जीतने पर, हमें ये प्राउड है कि हम इंडिया से नहीं हारे, श्रीलंका से। श्रीलंका से हार गए, इंडिया से हमें पता कि हमने बहुत बुरा हारना था। साले 76 साले कोलकाता के क्लबों में नंगे नाचने वाले, कल तू कह रहा था ना कि इंडिया फाइनल हार जाएगा, इंडिया फाइनल जो है वो हार जाएगा, इंडिया को एम्बैरेसिंग लॉस मिला बांग्लादेश से, तूने वीडियो बनाई, तूने जान के इंडियन लोगों को तंग करने के लिए तूने सबसे पहले वीडियो एक अपने ट्विटर के ऊपर पोस्ट की एक मिनट की, जिसमें तूने मजाक उड़ाया इंडिया एम्बैरेसिंग लॉस बांग्लादेश से, फिर तूने चेजा और लेने के लिए फिर अपने यूट्यूब के ऊपर फिर चेजा लेने के लिए वीडियो बनाई कि इंडिया फाइनल हारेगा, इंडिया फाइनल वन से हारेगा, ये करेगा वो करेगा। और 76 साले गन्ने का जूस पीने वाले, कोलकाता के क्लबों में नंगे नाचने वाले, इंडिया की कमाई करने वाले, स्टार स्पोर्ट्स से पैसे कमाने वाले, जब तुझे पाकिस्तान में कोई बंदा काम नहीं था देता, तुझे स्टार स्पोर्ट्स ने काम दिया, और तू आके इंडिया के ऊपर बातें करेगा, तू है कौन? अगर तू इतना ही कोई था तो पाकिस्तान में आज तक तुझे कोई बंदे ने काम क्यों नहीं दिया? आज तक तू नल्ला क्यों, नल्ला बेरोजगार फिर रहा तू? बातें कर रहा था कल तक कि इंडिया फाइनल हारेगा, इंडिया फाइनल हारेगा, इंडिया वन सीरीज फाइनल जीता है, मोहम्मद सिराज ने शटअप काल दिया तुझे, लानत भेजी अब दोनों हाथों से तेरे मुंह के ऊपर। बताया तुझे कि बातें करने से कुछ नहीं होता, परफॉर्म करना पड़ता है। बड़ा उस दिन कह रहा था ना क्या एम्बैरेसिंग लॉस बांग्लादेश से, ये वो, ये इंडिया वो अपना कॉन्फिडेंस खो जाएगा, इंडिया का इंडिया ये हो जाएगा, इंडिया के साथ वो हो जाएगा वगैरह वगैरह। इंडिया 50 पे ऑल आउट किया बांग्लादेश उसको, श्रीलंका को फाइनल में। इस श्रीलंका से पे हमारा घंटा, और इस श्रीलंका से हमारा घंटा बाबर आजम, इस श्रीलंका से मेरे घंटे, और मेरे घंटे इस श्रीलंका से हारा तू, और मेरा घंटा इस श्रीलंका से हारा, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, और मेरे घंटे इस श्रीलंका से तू हारा था ना, आज इंडिया ने उसको 50 पे ऑल आउट करके 10 विकेटों से ठोक दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट, ये है इंडियन क्रिकेट। जितने भी 76 तरह के लोग हैं जो बातें करते हैं कि जी इंडिया तो हार जाएगा, और भाई उस मैच में इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 ट्राई करने के लिए बेंच स्ट्रेंथ को मौका दिया था, बाबर आजम की तरह नहीं, क्या नेदरलैंड जिम्बाब्वे सबके अलावा बाबर ने खुद ही खेलना है, उन्होंने सीनियर को बिठा के जूनियर को बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई किया, आज वो अपनी मेन स्ट्रेंथ के साथ आए हैं। मोहम्मद सिराज ने पहले 4 ओवरों में मैच ही फिनिश कर दिया है, ये होती है परफॉर्मेंस। शाहीन अफरीदी पहले 3 ओवर से बाहर निकल, 3 ओवर से आगे भी दुनिया पड़ी हुई है, 4 ओवर से बाहर निकल आगे भी दुनिया पड़ी हुई है, 10 ओवर करने पड़ते हैं, टेस्ट क्रिकेट में स्पेल करने पड़ते हैं, T20 क्रिकेट से बाहर निकल, ये देख मोहम्मद सिराज ने 12 रन पे 6 आउट कर दिए हैं, ओवर में उसने मैच बदल दिया है, 7 पे 1 आउट था, 8 पे 5 आउट थे श्रीलंका के, 7 पे 1 आउट था, 8 पे 5 आउट थे श्रीलंका के। 76 साले कोलकाता के क्लबों में नंगे नाचने वाले, बना वीडियो अब ये तारीफ कर देगा इंडिया की कि इंडिया ने अच्छा खेला है, मोहम्मद सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, अब ये लोटा बन जाएगा, क्योंकि लोटा, और आप लोग भी देखते, अब शौक है आप लोगों को देखने का, आप लोगों को शो देखने का शौक है, हर टाइम वो इंडिया की बेइज्जती करता है, हर टाइम वो अपना मौका बदलता रहता है, हर टाइम वो जो है उधर से बातें करके, उधर से बातें करके मिला के फेंक देता है, और आप लोग कहते हो जी शे बतर ये है, ये बतर वो है। भाई मेरी तरह बनो, बात करो, उस पर कायम रहो। आपके भाई ने इस एशिया कप में जितनी भी प्रेडिक्शन की है, मैंने बोला पाकिस्तान वन सीरीज हारेगा इंडिया से, विराट कोहली 100 मारेगा पाकिस्तान के खिलाफ, मारा, मैंने बोला था एशिया कप शुरू होने से पहले इंडिया वन साइडेड एशिया कप जीतेगा, और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में नहीं जाएगा, मेरी बात ठीक हुई, हर मेरी बात ठीक हुई है। मैंने रात को बोला था कि इंडिया वन साइडेड फाइनल जीतेगा श्रीलंका से, लोगों ने बोला श्रीलंका का स्पिन डिपार्टमेंट ये है वो है वगैरह वगैरह, मैंने बोला बहुत बाढ़ में गई सब कुछ, अलपछड़ा दिया मैंने सब कुछ, इंडिया एशिया कप जीतेगा और वन साइडेड जीतेगा, आज जीत लिया 10 विकेटों से। और मेरे घंटे बाबर आजम, तू एशिया कप का एम लेके आया हुआ था, और एशिया कप जीतने का एम तो मेरा घंटा लेके आया हुआ था, और मेरे घंटे ने एशिया कप का एम लेके आया हुआ था, नंबर वन
फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास बढ़ गई बेच, फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास बढ़ गई बेच। ये होती है परफॉर्मेंस जो आज इंडिया ने दी है के मैं कहता हूं पहले दो तीन ओवर में मैच ही बदल दो, ऐसी परफॉर्मेंस कहोगे मैं कहता हूं करोड़ लोग खड़े होकर बातें करें क्या बत्तर है, निकल बाहर अंडरग्राउंड की हो गया, निकल खाए रे, सरफ तो नहीं खा लिया तूने कहीं, आ ना सामना कर, आ सामना कर लोगों का। क्यों कल तक तू बातें कर रहा था कि इंडिया हार जाएगा, इंडिया वन सेडेड हार जाएगा, इंडिया ये करेगा, इंडिया वो करेगा, इंडिया के पास टीम नहीं है, ये है वो है, मोहम्मद सिराज ने शटअप कॉल दिया तुझे, लनत 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 दे दिया। बताया वे बातें नहीं करते परफॉर्म करते हैं, बातें नहीं करते परफॉर्म करते हैं। इंडिया ने परफॉर्म किया इस एशिया कप से भी, अगर पाकिस्तान कुछ सीख के नहीं ना जा रहा कि बातें नहीं करनी, चुप रहना चुप रहना चुप रहना, मैं पाकिस्तान को बोलता हूं क्या बोलूं फिर मैं इनको, इनको क्या बोलूं, हाँ होना है इनके साथ वर्ल्ड कप में भी यही है। हो गई सब पेशिंग गोइया, कुछ ना श्रीलंका ने काम किया, देखा है सिराज ने आखिर काम तमाम किया। टीम इंडिया से ज्यादा आई वुड से इट वाज मोहम्मद सिराज वर्सेस द कंप्लीट श्रीलंकन टीम, मोहम्मद सिराज हु बोल्ड हिज हार्ट आउट, उनकी बेस्ट फिगर्स आज की जो है वो सामने आ गई विद 6 विकेट्स एंड 21 रन्स गिवन, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। तो मोहम्मद सिराज वाज एक्चुअली ब्रीदिंग फायर टुडे, द वे ही बोल्ड, द एनर्जी दैट ही हैड, वो एनर्जी आपको वैसे ही पता चल गई थी देख के, जब एक बॉलर भाग के चौके तक भाग रहा हो बॉल बचाने के लिए कि जी चौका बचा लो। मोहम्मद सिराज की क्या बात है, 6 for 21, बड़ा वाइजली उन्होंने बॉल की है, एग्रेसिव बॉलिंग की, और जहां उनको नजर आया कि ऑफ द पिच सीम नजर आ रही है तो उन्होंने बिल्कुल लाइन में बॉल की लेंथ उन्होंने अच्छी रखी। लंका ढाणे में भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने अहम किरदार अदा किया है, मोहम्मद सिराज ने 21 रन के अवज 6 विकेट्स हासिल की। उसने तो कमाल ही कर दिया मोहम्मद सिराज ने, मुझे पहले भी मैंने कहा मुझे बड़ी खुशी है, उस बेचारे की बड़ी ट्रोलिंग हुई थी एज अ मुसलमान होने के नाते, उसने परफॉर्मेंस दी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। वो जब विकेटें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं तो फिर उसके बाद मिलती चली जाती हैं, और उसने कमाल ही कर दिया। बट आई थिंक ग्रेट परफॉर्मेंस, आई रियली रियली एंजॉयड दैट स्पेल एक्चुअली। एक ही दफा जब 6 विकेटें लिए उसने एक दफा कोशिश नहीं की मैजिक बॉल किया जाए, ही जस्ट कंटिन्यू दैट 6 over 6 over 7 over स्पेल ही बॉल्ड। सिराज ने जो बॉलिंग की है उन्होंने लाइन एंड लेंथ को चेंज नहीं किया, ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, उन्होंने पिच को इस्तेमाल किया है, उन्होंने बिल्कुल चांस नहीं लिया कि मैं कोई हवा में जाके कोई यॉर्कर मार के मिडिल स्टंप उड़ा दूं, टांग से स्विंग कर दूं, या मैं ऑफ स्टंप से बाहर कोई लंबा अंदर लेके आऊं। उन्होंने 6 to 7 yards अभी वो दिखा रहे थे कैमरामैन, yes. 6 to 7 to 4 yards के दरमियान में उन्होंने इस एरिया में बॉलिंग की है और चैलेंज की है उनके श्रीलंकन बैट्समैनों की टेक्निक को जो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं इस पे। आई थिंक क्रेडिट गोज टू सिराज एंड टीम इंडिया, यू नो व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड व्हाट अ ब्रिलियंट स्पेल एक्चुअली। और जो आपने खुद ही बात कर दी है कि वो जो भाग के पीछे गया है और जिसमें विराट कोहली वगैरह सारे स्लिप में हंस रहे थे, yes. वो एंजॉय कर रहे थे उसकी सिचुएशन को, yes. देख के, huh. कि वो देखो कितनी एक्साइटमेंट में कितना भाग के गया। व्हेन यू डूइंग सो वेल यू शुड एंजॉय दिस गेम, ये क्रिकेट एंजॉयमेंट का फन है। और फाइनल में आपको हमने पहले ही कहा था सबने, मेरा ख्याल हमने, के कोशिश है, ये इंडियन फेवरेट है, हाँ। और उन्होंने सबूत भी दे दिया इस चीज का। लाला क्या निसांका, क्या परेरा, क्या सदीरा, क्या डिसिल्वा, क्या शनाका, क्या वेलालेगा, कोई नहीं खड़ा हो सका टीम इंडिया की इस फियर्स बॉलिंग के सामने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अंत में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।